प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और लूट घसोट तो हमने बहुत दिखाई, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं शहरों से दूर और गांव के बीच, यानी कि हम हैं शहीदों की भूमि काकोरी में। और यहां हम देखेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षकों ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं, ढूंढते हैं किसी प्राथमिक विद्यालय की इमारत और देखते हैं किसने कितनी हासिल की इमारत। आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर और ढूंढते हैं कि आखिर शिक्षकों ने अपने बच्चों को क्या सिखाया। आइए मेरे साथ पहुंच गए हैं इस कक्षा में। ये कक्षा कौन सी है मैम से ही पूछ लेते हैं। और मैम जी कैसी हैं आप? ये कक्षा कौन सी है? ये फिफ्थ क्लास। और बच्चों कैसे हो तुम लोग? मैम कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। एक एक साथ आप कैसे बच्चों को पढ़ा लेती हैं? ये कौन सी मैम? दो ही लोग हैं, कैसे मैनेज किया जाए? तो हम लोगों को ट्रेनिंग में भी यही बताया गया, जब ना हो ज्यादा टीचर्स तो एक। अच्छा, यहीं की टीचर है? यहाँ पे अभी हमें 4-5 दिन हुए, अभी 6 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है। इसके पीछे टीचिंग तो करती होंगी ना? इससे पहले हाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे। पढ़ाती तो थी ना, पढ़ाना पसंद है कि ऐसे ही सिफारिश देकर के आगे बढ़ गई? पढ़ाना पसंद है, मतलब बिल्कुल मन से पढ़ाती है। चलिए ठीक है, बच्चों से पूछे क्या पढ़ा रही थी अभी आप? संडे मंडे कौन बताएगा? संडे मंडे सुना दो बेटा। संडे मंडे स्पेलिंग नहीं, पहले बात तो स्पेलिंग गलत बता रहे हो बेटा। आपकी मैम ने SUNDA बताया है? मैम जी ने बताया? यस। ABCD सुना दो। मैम नहीं आती। क्यों नहीं आती? चलो बेटा संडे मंडे सुना। संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे के बाद थर्सडे आता है, मैम जी ने बताया आपको? वो लिखा हुआ है, कहाँ गया? मैम जी तो यहाँ लिखी है। आ जाओ बेटा मेरे लाल, आ जाओ मेरे बच्चे, ये पढ़ के बता दीजिए आप। तुम पढ़ के बताओ। आर। और कैसी है मैम आप? ठीक है। चाय पसंद है आपको? नहीं। अच्छा, जो हम जहाँ जा रहे हैं आजकल लोग हमको पसंद ही नहीं कर रहे, वरना हमको तो शो हमारा तो लोग बहुत पसंद करते हैं कटिंग चाय, पर आज तो हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, क्या बात है? हमसे नाराज़ हैं क्या? बिल्कुल नहीं मैम। तो हमें तो देख के लग रहा है आप नाराज़ हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो आज पहली बार। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है हमारे? हम बताएं, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। डेप्यूटी CM? जी डेप्यूटी CM दिनेश शर्मा और मौर्य जी। राज्यपाल? राम नाईक। गुड। अच्छा एक बात बताए, हम आपसे उज्जवल लिखने को बोला, हमें उज्जवल हिंदी पढ़ाती है ना, उज्जवल लिख के दिखाइए मैम। बहुत बड़े, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, उज्जवल सही लिखा है। सोच लीजिए एक बार। देश की राजधानी? भारत। देश की राजधानी भारत है, क्या बात है। बाप रे मैम, ये बताइए कि सिफारिश से पास हुई है, सिफारिश से आगे बढ़ी है, नौकरी मिली है या फिर मेहनत करके? मेहनत करके। मेहनत ऐसी कैसी मेहनत कर ली आपको देश की राजधानी भारत पता है? अच्छा, देश की राजधानी दिल्ली, सॉरी। नहीं, एक बात होती है, पहले तो आपने बहुत गलत बताया। अरे मैम, तो अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बस इतना तय कर लीजिए कि आप खूब पढ़ेंगी और बच्चों को पढ़ाएंगी। बिल्कुल। चलिए मेरे साथ चलते हैं आगे। बहुत ये हालत देख करके तो आप समझ ही ना देश का भविष्य क्या होगा। देखते रहिए मेरे साथ कटिंग चाय। अभी तक हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और लूट घसोट तो खूब दिखाई, अब हम पहुंच गए हैं काकोरी यानी कि शहीदों की भूमि पे। और यहाँ हम दिखाने वाले हैं आपको कि शिक्षा का स्तर कितने पानी में है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है। हम हैं शहरों से दूर और गाँव के बीच, और जाएंगे यहाँ पर ढूंढेंगे किसी अच्छी प्राथमिक विद्यालय की इमारत और वहाँ देखेंगे कि किसने कितनी हासिल की महारत। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और ढूंढते हैं कि कौन कितने पानी में है, शिक्षक ने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया और बच्चों ने कितना सीखा और सिखाया। आइए मेरे साथ चलते हैं सीधे काकोरी के अंदर। हम पहुंच चुके हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय सकरा, तो यहाँ पर जानते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गड़बड़ है। और अब हम आ गए हैं इस विद्यालय में और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? और हमको देखकर के कोई मुस्कुराया नहीं, क्या बात है? अच्छा, बनाना किस पर बताओ बेटा? BANANA। बहुत बढ़िया, इसको पता था बनाना, शानदार बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? मुस्कान। मुस्कान, ऐसी मुस्कान दिखाती रहो अपनी मुस्कान। प्रधानमंत्री नाम बता दीजिए सर जी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय PM नरेंद्र मोदी जी हैं।
तो ये बताइए कि बच्चों को फिर क्यों नहीं सिखाते, आपको तो इतना कुछ पता है, बच्चों को क्यों नहीं पता? हमारे अभी हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे हमारे अभी नए आए हैं, अभी कुछ बच्चे तो अभी एक दो दिन में एडमिशन लिए हैं, और कुछ बच्चों को मालूम ही है, मैं जिन बच्चों से पूछा, हो सकता है अभी उनको ना पता चल पाया हो। चलिए ठीक है कि बच्चों को बताएंगे, बेसिक शिक्षा देंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, वही आपका काम है, और बहुत बढ़िया, अपनी नॉलेज भी ऐसे बढ़ाते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर, यहाँ के बच्चे भी जो है वो अपने शिक्षक का बहुत साथ देते हैं, और शिक्षक जो है वही बच्चों का साथ देते हैं। अब चलते हैं दूसरी कक्षा में, आइए मेरे साथ, चलिए चलिए। यहाँ मैम जी पढ़ा रही हैं बच्चों को बहुत ही प्यार से, आइए अंदर आ जाइए, देखते हैं। और चार ही बच्चे, कैसे हो बच्चों, नाम क्या? माय नेम इज कृष्णा गौतम। कृष्णा गौतम जी, ये बताइए कि किस कक्षा के छात्र हो आप लोग? माय नेम इज सुधा। किस कक्षा के छात्र? आठ के। आठ के, चलिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ, स्पेशली होम साइंस के लिए। सिर्फ होम साइंस पढ़ाती हैं? हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री 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 अच्छा, राष्ट्रपति जी? आदित्यनाथ योगी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। राज्यपाल? हामिद अंसारी। ओह नो, अरे अच्छा, विदेश मंत्री? राम नाइक। विदेश मंत्री? हाँ, विदेश मंत्री। अच्छा, आपको हम आपको बता रहे हैं तो आपको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको, मतलब हम आपकी थोड़ी सी गलती पकड़ रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रही है। क्या बात है मैम, तो परेशान क्यों हो रही हैं आप तो? अच्छा चलिए छोड़िए, कितना पढ़ी हैं आप बता दीजिए? ओह नो, कहाँ तक की पढ़ाई करी मैम तो बोलिए मैम, क्या हो गया? बीए करी हुई है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को सब कुछ आता होगा, गृह विज्ञान पढ़ाती है, अच्छी टीचर है, बिल्कुल परेशान नहीं, हम आपके दोस्त हैं मैम। आप ना ना, आप लग रहा कि हमें झूठ है ना मैम, बिल्कुल नहीं, हम आपसे कहा आप झूठ बोल रही हैं, इंटेलिजेंट होते दिख ही रहा है, हम बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है मैम, कुछ नहीं आता ना हम लोग, हम ऐसे आ रहे हैं सारी जनता मैम, बहुत नाराज हो रही है मैम, कुछ नहीं आता है, सिर्फ टीचर का मजाक बना रहा है। अरे मैम बिल्कुल नहीं मैम, आप हम तो आपसे बातचीत कर रहे हैं मैम, आप बहुत, और मैम बहुत नाराज हो गई है हमसे, अरे हमसे बहुत अच्छा मैम, चलिए हम आपको कुछ चाय पिलाते हैं, बहुत अच्छा, क्यों ऐसे ही? अच्छा सिफारिश से भी तो, सिफारिश से तो नहीं आगे बढ़ी है, सिफारिश तो नहीं सिलेक्शन हुआ, मेहनत से हुआ होगा ना? हाँ तो मेहनत से हुआ तो फिर तो आप, फिर देख देख साबित करना, हम कुछ नहीं मैम, हम तो आपसे बातचीत करने के लिए आए मैम, तो बहुत नाराज हो रही है और हमसे मिल बातचीत भी नहीं कर रही है, अच्छा बस इतना बता दीजिए आप क्वेश्चन कैसे मैम, आप किसने आ रही है सबकी, हम फेसबुक चला रहे हैं मैम। अच्छा अपना नाम इधर देखिए मैम, अपना नाम बता दीजिए, बस अपना नाम बता दीजिए, एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। आई एम सॉरी, मैं कोई आपके किसी सवाल का जवाब अब नहीं देना चाहती हूं। आप अपना नाम बता दीजिए मैम। नहीं देना चाहती। अच्छा हम इनका वैसे नाम नहीं बताएंगे और ना इनकी शक्ल दिखाएंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि ये चली गई है यहाँ से, और ये हम कहना चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य क्या है वो तो देखा जाएगा, क्योंकि मैम को ये नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें राष्ट्र के बारे में और राज्य के बारे में, और हम इतना चाहते हैं कि मैम के पास चलते हैं और उनसे पूछ एक छोटी सी बात जो है वो उनसे तय कराना हमसे, आइए मेरे साथ। अच्छा यहाँ पर मिल गई है मैम, अरे हम आपसे एक छोटी सी बात करना चाह रहे हैं, हम थोड़ी ना आपसे आप, अच्छा चलो छोड़ो, ये सब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, हटाओ हम नहीं दिखाते कुछ भी, ये सब नहीं करेंगे, बिल्कुल हटाइए, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैम, नहीं मैम बिल्कुल, हम खुद कंफ्यूज हो गए, हम आपसे कुछ, चलिए हटाइए, सब नहीं करेंगे, बस आप इतना इतना मैम, हम आपसे बहुत आराम से प्यार से बातचीत करें, आप इतना क्यों परेशान हो, इतनी सुंदर है, इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है, आपसे कुछ, आपने बहुत सारे सही जवाब दिए, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो थोड़ी सी जानकारी खुद की भी अच्छी रखेंगे तो बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें फोटो कितना क्या करना साबित करना चाहती हैं? कुछ साबित नहीं करना रहे हैं, हम तो बस आपसे बातचीत करने आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, बस आप इतना बोल दीजिए, इतना बोल दीजिए कि आप बच्चों को पढ़ के पढ़ाएंगी मैम, बस इतना बोल दीजिए कि आप बच्चों को पढ़ के पढ़ाएंगी, ऑब्वियसली। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा माहौल बहुत ही गर्म हो गया है और बच्चे बड़े परेशान हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस तरीके से चलते रहेंगे आगे, हमारा सफल ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, आप देखते रहिए कटिंग शॉट।